बॉस में थी, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर और क्या आपका कहना है? जी बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर काली माता की पूजा चल रही है एंड मैंने यहाँ पर दिया भी जलाया। बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है पॉजिटिविटी की एंड यू नो ट्रूथ एंड पॉजिटिविटी विनिंग द बैटल अगेंस्ट ईविल एंड लाइज, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और आने वाली कोई आगामी फिल्म के बारे में आप बताएंगे आपकी कोई? जी हाँ, मेरी एक फिल्म हम बाजा बजा देंगे बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है, उसमें क्लाइमैक्स में मैंने एक आइटम नंबर किया है जिसका नाम है तिलिज्मी, जो एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है जादू वाला, एज इन मैजिकल। बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है, अलग है, उसमें आप मुझे एक अलग अंदाज में देखेंगे, डांस करते हुए देखेंगे एंड ये गाना स्टोरी को फॉरवर्ड ले जाता है और बहुत ही 007 स्टाइल का गाना है, थ्रिलर टाइप एंड आई होप इट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट। और अभी जो आज अवार्ड फंक्शन अंजन गोस्वामी जी हर साल करते आते हैं, तो उनको क्या शुभकामना देना चाहेंगे इस अवार्ड फंक्शन के लिए? जी मैं पुणे से आई हूँ इतनी दूर बस ये अवार्ड कलेक्ट करने एंड मैं मिस्टर अंजन गोस्वामी को शुक्रिया देना चाहूँगी, क्योंकि जब से मैं बिग बॉस के घर के बाहर आई हूँ उन्होंने हमेशा मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करके मुझे ऑनर किया है, चाहे वो बेस्ट एंटरटेनर ऑन टेलीविजन आपकी आवाज़ अवार्ड हो बिग बॉस के लिए, या फिर प्राइड ऑफ मुंबई हो जो कुछ महीने पहले हुआ था, और अब बॉलीवुड एक्सप्रेस अवार्ड। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस एंड मैं बहुत ही यू नो रिस्पेक्ट करती हूँ उनके इवेंट्स का, इसीलिए आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम पुणे टू अटेंड दिस सेरेमनी।